हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये जानते हैं हमारे एक व्यूअर हैं कुवैत से रंजन जी, जिन्होंने सवाल किया है और ऑटो नंबर को कंट्रोल करना है तो ऑटो नंबर को कैसे कंट्रोल किया जाए। हम जहां से चाहें वहां से वो ऑटो नंबर अपने मन से नंबर देने लगे। जैसे सपोज कीजिए यहां से अगर हम जाते हैं और यहां से डिजाइन व्यू में आते हैं और इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट नाम दे दिया इस टेबल को मैंने और यहां पर आईडी आ रही है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूं स्टूडेंट आईडी। ओके, स्टूडेंट आईडी, ये स्टूडेंट आईडी कर दिया और ये ऑटो नंबर है और यहां पर आ जाएगा नेम। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही हम नेम करेंगे तो ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। अब यहां से इसको ओके करते हैं तो अब देखिए होगा क्या। यहां से जैसे इसको ओके करेंगे तो अब ये ऑटो नंबर जनरेट करेगा। कैसे जनरेट करेगा आइए देखते हैं। यहां पर अगर मैं नेम लिखता हूं, यहां देखिए आपको कोई नंबर नहीं देना है क्योंकि ऑटो नंबर आपने चूज किया, तो ये नंबर अपने आप देता जाएगा। जैसे मान लीजिए रमेश लिख दिया मैंने यहाँ पे रमेश, तो यहाँ जो नंबर है वो रोल नंबर 1 हो गया, स्टूडेंट आईडी 1 हो गई। यहाँ पे सुरेश करता हूँ तो यहाँ स्टूडेंट आईडी 2 हो जाती है। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम जहां से चाहें वहां से ये ऑटो नंबर जनरेट हो। तो ये कैसे होगा, तो इसके लिए हमें काम करना होगा। यहां से हमें क्या करना होगा, ये तो डिजाइन व्यू में आ जाएंगे और ये जो डिजाइन व्यू है यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे आ जाएंगे। जैसे क्वेरी डिजाइन पे आएंगे तो ये शो टेबल वाला आएगा और यहाँ से इसको क्लोज कर देना। अब हम आ जाएंगे एसक्यूएल व्यू में, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए मैं कोड बताता हूँ एसक्यूएल का, वो कोड आपको लिखना है अल्टर। ओके, फिर यहाँ लिखना है टेबल और यहाँ पर उस टेबल का नाम आपको देना है, जो टेबल आपने बनाया है उस टेबल का नाम देना। जैसे मैंने फर्स्ट के नाम से बनाया तो यहाँ फर्स्ट का नाम मैंने दे दिया। ओके, अब यहां पर फर्स्ट का नाम देने के बाद नीचे आएंगे, फिर यहां लिखेंगे अल्टर, लिखा हमने। अब कॉलम को अल्टर कर रहे हैं तो यहां लिखेंगे कॉलम। ओके, और फिर यहां स्टूडेंट आईडी, चूंकि स्टूडेंट आईडी को ही हमें अल्टर करना है तो यहां पर स्टूडेंट आईडी कर देंगे। देखिए स्टूडेंट आईडी हमने लिखा कैसे, यहां पर देख सकते हैं आप, स्टूडेंट आईडी बिना गैप के दिया गया है तो यहां पर भी हमें बिना गैप के ही स्टूडेंट आईडी देना होगा। तो यहां बिना गैप के स्टूडेंट आईडी दे देते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, अब नीचे आना है और कहां से आप चाहते हैं वो चीज आपको लिखनी है। जैसे यहां पे कर सकते हैं, हम यहां पर भी कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं या नीचे आकर के लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं काउंटर, CONTER काउंटर। काउंटर कहां से शुरू करना है, जैसे सपोज कीजिए हमें शुरू करना है 201 से, 201 कर दिया हमने और एक एक करके इंक्रीमेंट होता जाए। ठीक है, ये हमने बता दिया। अब यहां से आपको क्लिक करना है तो यहां पे कह रहा है क्वेरी, तो ये पहले हम टेबल को क्लोज कर देंगे और अब हम यहां से इसको रन करवाएंगे। तो ये देखिए ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहां से हम कोई दूसरा नाम लिखते हैं दुर्गेश। तो यहां देखिए 201 नंबर से ये दुर्गेश वाला शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे मान लीजिए अवनीश। ओके, यहां पे मान लीजिए कुछ और लिखते हैं, जैसे फरहा। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं शालिनी। तो यहां पे देख सकते हैं हम अपने इच्छा से ऑटो नंबर जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये वो तरीका है जिससे हम अपनी इच्छा से ऑटो नंबर जनरेट कर सकते हैं। अब इसको हम फॉर्म व्यू में ले सकते हैं, यहां से हम जाएंगे और ये आ गए हम फॉर्म व्यू में। तो यहां से देख सकते हैं आप, ये हम फॉर्म व्यू में है और हमने जो जनरेट किया नंबर वो सारे आपको मिलेंगे यहां पे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये नंबर जनरेट किया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये आपको करना कैसे। ठीक है, अब हम वापस आते हैं कहां, क्वेरी में। ये क्वेरी हमने बनाई है, अगर हम चाहते हैं 201 से न चाह करके हम चाहते हो कि यहां हम कुछ और, जैसे कि सपोज कीजिए यहां पे हम चाहते हो 455 से स्टार्ट हो और 1 जो है इंक्रीमेंट करता जाए, तो ये भी बहुत आसानी के साथ हम कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें टेबल को क्लोज करना होगा, ये जो टेबल ओपन है तो इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ और अब देन इसको रन करवाता हूँ। तो अभी ये भी क्लोज करना होगा, ये जो फॉर्म हमने बनाया, अब इसको चलते हैं रन करवाते हैं।
तो ये रन हो गया हमारा। अब देखते हैं क्या होता है, ये देखिए अभी हम यहां से लिखेंगे तो अब 400 करेगा ये, जैसे मैंने लिखा ईशा, तो ये देखिए 455 से लिखना शुरू कर रहा है, और फिर ऊषा। तो ये हम इस तरह से ऑटो नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब फिर यहां मान लीजिए आपको ऑटो नंबर कंट्रोल करना है तो फिर यहां पर आ जाइए, बहुत ही आसान तरीका है। क्या करना है आपको, SQL व्यू में आ जाइए, ये जो SQL व्यू आपने अभी ओपन किया था यहां पर आ जाइए आप, और यहां पर आपको चेंजिंग करनी है थोड़ी सी। अब जैसे ये 455 नहीं चाहिए हमें, अब हमें चाहिए 1005 या 1000 चाहिए या कुछ और चाहिए, तो यहां से एक एक करके इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब इसको मैं यहां से पहले टेबल को क्लोज कर लेता हूं, देन अब इसको रन करवाता हूं। अब देखिए, अब फिर इसमें आते हैं, यहां तक तो हम आ चुके हैं। अब देखिए ऑटो नंबर वहां से जनरेट होगा जहां से हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए युवराज, तो ये युवराज आ गया तो 1000 से आया। अब देखिए, अब फिर देखिए सीमा, तो यहां देखिए सीमा जो है 1000, अब देखिए 1001 1002 ऐसे करके आ रहा है ये। तो इस तरीके से हम ऑटो नंबर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम फिर चलते हैं कहां, इसी व्यू में चलते हैं। अगर मैं इसमें -1 लिख देता हूं तो क्या होगा, आइए देख लेते हैं एक बार, ट्राई करते हैं। यहां लिखता हूं मैं -1, ठीक है। अब इसको मैं वापस से रन करवाने वाला हूं, तो यहां चलते हैं और इसको रन करवा देते हैं, ठीक है। ये रन हो गया हमारा टेबल। अब आते हैं यहां पे, तो यहां पे आप देखिए त्रंबक, ये देखिए -1 किया तो अभी 1001 था, अब 1001 से फिर 1000 आ गया। ये देखिए -1 करने का क्या मतलब है। अब देखिए यहां पर ये डुप्लीकेट वैल्यू आ गई, इसको मैं काम करता हूं, यहां से 1000 के बदले मैं इसको कुछ और कर लेता हूं, जैसे 100 कर लेता हूं, ठीक है, 100 कर लेता हूं, ये सही रहेगा। टेबल को पहले क्लोज करना है, क्लोज किया टेबल, यस ओके। अब यहां से इसको ओके कीजिए और अब इस टेबल को ओपन करते हैं। तो यहां पे देखिए 1000 और 1001, अब देखिए यहां पे मैं लिखता हूं वसीम, लिखा, अब 100 से आ रहा है। अब देखिए 100 के बाद क्या आएगा, वकार, 99। देखिएगा -1 किया है मैंने, ये बात याद रखिएगा आप। और यहां पे शोभित, उषा, प्रियंका, ओके। तो ये देखिए ये इंक्रीमेंट भी हो रहा है डिक्रीमेंट भी हो रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों बातें आपके समझ में जरूर आई होंगी और इससे आपका काम हो जाएगा काफी आसान। तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।